हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन एक नई आर्ट को लेके। आज मैं आपके सामने फिर से हूं और ये आर्ट हमारी इंडिया की लिपन आर्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे। बट लिपन आर्ट के बारे में जितना मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत, कि ये कच्छ गुजरात की एक मड एंड मिरर वर्क को का कॉम्बिनेशन है। और जो हमारी आर्टिस्ट हैं आज की, तो उन्होंने लिपन आर्ट प्लस मंडाला आर्ट का फ्यूजन लेकर आई है। तो मंडाला आर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आर्ट है। वो एक मंडाला आर्ट में हम लोग बेसिकली एक डॉट से स्टार्ट होती है और जिसका एंड हम हमेशा एक पूरे राउंड से स्टार्ट करते हैं, चाहे उसमें कुछ भी पैटर्न हो, बट स्टार्ट डॉट से होगा और जो एंड होगा वो एक संपूर्ण राउंड से होगा। जैसे हमारी धरती पे एक बूंद भी राउंड है और सूरज भी है, वो भी राउंड है। तो हमारी हर चीज राउंड पे फिनिश होती है। ऐसे ही मंडाला आर्ट में जो संपूर्ण है वो मंडाला आर्ट है। तो जो हमारी जो आज की आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हमारा सेशन है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर आ रही हैं। तो बाकी आगे इनसे चर्चा करते हैं कि क्या है इन मंडाला और लिपन आर्ट का। तो आइए वेलकम करते हैं। वेलकम वंदना जी। हेलो, हेलो वंदना जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छे से हूँ। और बहुत मुझे अच्छा थोड़ा लगा सा आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू थैंक वेलकम वंदना जी, वेलकम टू आवर शो इंडिया फैट। और हमारे इंडिया फैट पे हम लोग क्रिएटर्स के साथ अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो आज हम आपके साथ लिपन और मंडाला का जो फ्यूजन है, आपने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा लोगों को भी बताएंगे कि कैसे इसे हम अपने डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे हम भी सीख सकते हैं। जितना मैंने समझा है कि हम मंडाला आर्ट को एक स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस बस्टर भी है, स्ट्रेस भी रिलीज होता है, तो ये कैसे, थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए। और अभी पहले आप बताइए कि कहाँ से है, सॉरी मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना। मेरा नाम वंदना अग्रवाल है, मैं शामली से हूँ, यूपी से, और एक छोटी सी अच्छी सी फैमिली से हूँ जहाँ पर सब लड़कियों को बहुत अच्छा मानते हैं। हम सब चीज सीख सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलना कि हम अपनी एज ए हॉबी हम अपने को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें कैसे दुनिया जाने पहचाने, तो उसके लिए मुझे आपने इतना अच्छा ऑप्शन दिया है इंडिया फिट पे आने का। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस आर्ट को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिपन आर्ट में बहुत शुरू से करती हूँ, मतलब एक तरह से ऑब्सेशन हो जाता है ना मिरर के साथ, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत पढ़ा, सेल्फ लर्नर हूँ, अपने आप से सीखा है इसको, बहुत ज्यादा सर्च किया यूट्यूब से और भी जगह से। तो जहां तक जाना, ये मेनली इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है कच्छ गुजरात से। वहां पर राबरी जो कम्युनिटीज की जो औरतें हैं ना, वो उन इसको अपनी घर की दीवारों पर एक तरह से बोलते हैं ना लेपन, तो लिपन यस मीन्स लेपना, किसी चीज को लीपना, तो वो अपने घर की दीवारों को अंदर से लीप देती थी जिससे अंदर का जो उनका सराउंडिंग है वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, क्योंकि वहां बहुत ओके गर्मी होती है। और इसको डेकोरेट करने के लिए ना इसमें मिरर्स लगाए जाते थे, तो मिरर्स से इसको नाम मिला मर्ड मिरर आर्ट। लेकिन उसमें जो वो ले बनाते थे उसमें वो काउ डंग, कैमल डंग, ये सब चीजें यूज करते थे, तो वो तो उनकी ओरिजिनलिटी थी, वहां उस लेवल तक तो हम नहीं जा सकते। हम अपनी क्ले तो बनाते हैं, मतलब मिट्टी से ही बनाते कैमल हैं, डंग, अभी भी गांव में नहीं कैमल कैमल डंग डंग और नहीं यूज काउ डंग। करते। हाँ वो ओके तो हम नहीं यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिपन आर्ट नहीं, हाँ बट गांव इसीलिए हम इसको में लिपन ही आर्ट नहीं बोलते हैं, लिपन स्टाइल आर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल वे में नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा ही है। अभी ओके बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, एयर ड्राई क्ले वगैरह, तो ये हम सबके पास इजिली अवेलेबल है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में सब जान रहे हैं। पहले ये सिर्फ कुछ कच्छ गुजरात से ही तक ही सीमित था, लेकिन अब इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं, हमारे पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि हम इसको घर बैठ के सीख भी सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपने वॉल डेकोरेशन पे, अपनी वॉल्स पर, छोटे छोटे आप घर में मटके वगैरह कुछ भी कहीं पर भी लिपन आर्ट कर सकते हैं, तो मैम, तो अच्छा आर्ट है। जैसे आपने बताया कि काउ डंग और कैमल डंग भी हम यूज, मतलब गांव में यूज करते हैं, तो अपनी डेकोरेट करने के लिए तो ये काउ डंग और कैमल
कैमल डंग यूज करते हैं उसी के थ्रू ये मड वर्क बनता है। और वैसे बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम कोई अपना कोई इंडियन ट्रेडिशनल में हम कोई पर्व उत्साह करते हैं तो उसमें भी हम पहले अपनी दीवारों को गोबर के उससे पहले लेपते थे, पहले जो पुरानी दीवारें होती थी ना उसको शुद्ध करने के लिए, फिर उसके ऊपर हम कोई भी अपना लीपन या हम अपना मंडाना वगैरह बनाते थे। तो ये मेनली है तो यही सब चीज इंडियन ट्रेडिशन में, लेकिन वहां पर कैमल्स है तो वो कैमल डंग यूज करते थे। हम अभी भी कहीं 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 पर हम अभी भी काउ डंग यूज करते हैं, थोड़ा सा फर्क है बस, उसमें वो उनकी अपनी जो कच्छ गुजरात की मिट्टी है वो उसको यूज करते हैं उसकी क्ले बनाने के लिए। हम अपनी क्ले यूज करते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो, उसमें हम गम डालते हैं, जो हम गोंद लेते हैं ना वो डाल के हम बनाते हैं, तो जो जो भी इजीली मिल जाए। वैसे तो दो तरह से होता है ये, कोयरिंग वर्क और कोनिंग। कोयरिंग मतलब हम इसकी क्ले की छोटी छोटी गोल लोइयां बत्तियां बनाते हैं और उससे हम इसका वर्क करते हैं, और कोनिंग हो जाता है कि उसी को हम इतना पेस्ट को ऐसे कर लेते हैं जैसे हिना, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना ऐसे ही हम मिरर, उसको मिरर लगाते हैं और उसके ऊपर हम कोनिंग कर लेते हैं। तो ये दो तरह से चलता है लिपन वर्क। देखो शो भी करूंगी आपको। या वंदना जी, जैसे आप बनाते हैं कोनिंग और इसमें थ्रेड वर्क भी यूज होता है, तो जब हम कोनिंग करते हैं, जब हम कोनिंग करते हैं तो कोनिंग वो बिल्कुल इजीली प्रोसेस हो गया एक तरह से। वो मतलब जैसे वो ये कि आपको करना है कैसे करोगे, कुछ भी यूज करो आप, तो थ्रेड यूज कर दिया, लेकिन मेनली ये चौक मिट्टी वगैरह से ही होता है, जो उनकी मड होती है ना। तो जब हम लोग अगर कौन से यूज करते हैं तो कौन में सूखने में टाइम लगता होगा? हाँ इतना टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे। हाँ दो अच्छा, तीन दो घंटे तीन में वो घंटे सूख जाती है। हाँ प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है दोनों मेथड को सिखाने का करने का, लेकिन रिजल्ट फाइनली एक ही आता है। चाहे हम थ्रेड यूज करें चाहे हम फोन यूज हाँ करें, हाँ हाँ रिजल्ट एक ही आएगा। आप डिफरेंस दिखा सकते हैं कोन का और थ्रेड का जो आपने देखो बनाया जैसे होगा? मैं ये अभी ये जैसे मैंने ये किया ये थोड़ा बनाया। सा फोकस कैमरे पे फोकस करवाएंगे, थोड़ा और नियर बाय। यस यस यस। तो ये ये दिस हमारा इज थ्रेड कोयरिंग का। वर्क है, ये वर्क है ओके कोयरिंग। हाँ कोयरिंग वर्क, ओके ओके। इसमें हम और इसकी लोई बनाकर ना इसकी पतली पतली लंबी लंबी वो बनाते हैं कोयरिंग, और उसको पेस्ट करते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। हैंड से हैंडवर्क है, टोटली हाँ हैंडवर्क हाथ है ये से, तो। हाँ पूरा हैंड वर्क है। और जैसे देखो ये बताया ना ये मंडाला यूज किया, तो इसमें हमने लोटस मंडाला लिया है। लोटस मंडाला का हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लोटस का मतलब ही सबसे, जैसे बोलते हो ना कि कीचड़ में उगता है लेकिन सबसे अमल शुद्ध फूल माना जाता है, तो यस ये एक तरह से साइन है पॉजिटिविटी का। मतलब अभी लक्ष्मी। बाहर के देशों में भी इसको मान्यता मिली है कि आप जो मंडाला बनाते हो ना उसको आप एक एनर्जी बूस्टर, आपको कोई एंग्जाइटी हो रही है तो आप उसके लिए भी, मेंटल डिप्रेशन को कम करने के लिए भी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो डूडल इफेक्ट करते हैं के मार्कर से शुरू करते हैं वो, और लाइनिंग वगैरह पे आप बनाते हैं। लेकिन ये मैंने मंडाला यूज किया लिप्पन वर्क के साथ। लिप्पन वर्क का मतलब यही हो गया ना कि हमने अपने लोटस मंडाला को हमने लिप्पन वर्क का टच दे दिया, तो यही फ्यूजन हो गया इसका लिप्पन के साथ। ग्रेट। तो ये मेनली हमारे है तो इंडियन ट्रेडिशनल या फिर बौद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है ना, मेनली ये वहां से आया है, लेकिन अब ये सब जगह फैल गया है एक तरह से मेडिटेशन के लिए। एज इसको बनाते टाइम भी आप बिल्कुल एकाग्र हो जाते हो, तो आपको बनाने में भी इसको अलग जाती है, और जब आप घर में भी लगाते हो ना तो आप बोलते हो ना जैसे चीन वाले फेंग शुई को मानते हैं, तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इस मंडाला को माना जाता है बहुत। इसमें आप अगर आप टेम्पल पे लगा रहे हो तो इसमें आप ओम बीच में, स्वास्तिक, कोई भी इंडियन साइन बना सकते हो तो वो और बेस्ट है, क्योंकि ये साइन हमारे उसमें बहुत ज्यादा मान्यता है। हमारे हर शुभ काम में हम अपने दीवारों पर और ये स्वास्तिक और ये ओम वगैरह लिखते हैं, तो अगर हम उसी को हम अपने पेंटिंग्स में लाते हैं तो वो तो और अच्छा वे में जाएगा। सब लोग यस मैम। पसंद करते हैं अपने टेम्पल्स के लिए इन चीजों को, और और जैसे वैसे भी कोनिंग कहीं ना वर्क। कहीं लक्ष्मी जी की पूजा के लिए भी हम लोटस को ही, हाँ 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 मस्ट होता अब है देखो लक्ष्मी जी का। ये कोनिंग वर्क है, और ये ये कौन, कोनिंग वर्क है। बट डिफरेंस नहीं पता चल रहा इसमें कुछ भी। हाँ बस ये थोड़ा सा बारीक हो जाता है और वो थोड़ा सा मोटा होता है, फिर
फिनिशिंग में थोड़ा सा फर्क लगेगा, लेकिन ये कोनिंग वर्क है। मैम ये करते करते एक परफेक्शन आती होगी। हाँ और क्या, जितना आप किसी चीज में घुसोगे आप उतने परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है इसका, बस आपको लगन होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। तो इसको मैंने देखो वेस्ट सीढ़ी पे बनाया है, ओ ग्रेट, तो वेस्ट किस सीढ़ी किस हमारे घर में इतनी किस्म होती है ना, में? यस इसको हम वॉल पे डबल स्टिक करेंगे ना, तो इसको वॉल पर भी हम लगा सकते हैं, इसको एज ए, इस पर आप दिया रखो। अभी मैंने दिवाली पर अपनी रंगोली, अपनी मतलब ये मंडाला को एज ए रंगोली यूज किया, तो मैंने साइड में ये सारे लगाए, तो इनके ऊपर मैंने दिया पेस्ट, दिया रख दिया जलता हुआ, तो वो रंगोली लुक आ गया। इसको आप पोस्टर यूज कर सकते हो, आप टेबल पर अपनी ड्राइंग टेबल जो भी आप यूज करते हो उस पर, चाय के लिए हम पोस्टर यूज करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हो। आपने तो सारे वेस्ट मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, इट मीन्स। हाँ और इस पे आप मैग्नेट लगाते हो तो ना आपका फ्रिज मैग्नेट का काम करेगा यही। वाह, तो किन किन तो मतलब चीजों एक चीज होती है ना के कि आपको करनी है, लेकिन कहीं जगह लिए? ऐसा होता है कि कहीं पे मेरे स्टूडेंट्स को एमडीएफ नहीं मिल रहा है, बोर्ड नहीं मिल रहा है, कैनवास नहीं मिल रहा है, तो उनको हम ये हर चीज बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, कि आप सिर्फ, आपके पास एमडीएफ होगा तभी आप ये आर्ट को करोगे, आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो वेस्ट सीढ़ी सबसे, मतलब मैं बोलती हूँ ना, हर एक के घर में ऐसे पड़ी इजी रहती है जिसमें आप इन्हें फेंक हाँ, भी नहीं पाते हो और ये यूज के भी सही काम में नहीं होती है, सही। तो तो इनके तो वेस्ट बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। ये वेस्ट सीडी पे हम यूज सब कर सकते हैं, और कैनवस के बोर्ड पे, और किन किन चीजों के थ्रू हम यूज कर सकते हैं? एमडीएफ पे, एमडीएफ बोर्ड होता है, आप देखो जैसे मैंने कितने सारे वेरिएशन बनाए हुए हैं इसमें, कि तरह ओके तरह से यूज करती हूँ मैं, ये सिखाती हूँ भी अपने स्टूडेंट्स को, कि हाँ, मैं जैसे ये पूछना दिवाली आप, चाहती थी कि अगर आप सिखाते हैं तो प्लीज मैं जरूर सीखना चाहूंगी, मैं जरूर पक्का सीखना मोस्ट वेलकम। देखिए चाहूंगी। ये प्लेन एक ही रंग की बहुत सुंदर। तो इसमें फिनिशिंग मैम, ऐसे, मेरा वर्क तो सब में, लिपन में तो मस्ट है मेरा वर्क, हाँ, लिपन में मिरर ही लगते हैं, लेकिन और ऐसा नहीं है कि मंडाला। आपके पास मिरर नहीं है तो आप इस आर्ट को नहीं कर पाओगे, आप कुंदन मोती कुछ भी लगा सकते हो, बस वो चीज चमकनी चाहिए, आपको उसको ज्वेल देना है एक तरह से बस। अब देखो बट ये मेरा मेरा में तो वेस्ट कप एक था, ऐसा, उसका वाह मैंने मैम, पैन होल्डर बना दिया, तो अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, आप किसी भी चीज में लिमिटेशन इसकी नहीं है कुछ भी, आप कहीं पर भी शुरू हो सकते हो एज ए, आपको बस तो लिपन करना है, बस कहीं पर भी करो कैसे भी करो। मंडाला में अभी भी देखो हम मिरर वर्क करते हैं, और लिपन में भी हम मिरर वर्क करते हैं, दोनों में ही मिरर वर्क यूज होता ही होता है। हाँ मतलब लिपन आप किसी भी तरह से करो, सब में जाएगा आपका मिरर वर्क ही। देखो ये मिरर पॉट एंड है जो हम, शर्ट, हाँ ये कोनिंग वर्क से मैंने पॉट बनाया है, बहुत सुंदर बना जो है। ये सिंपल कुम्हार बनाते हैं ना पॉट, हाँ सिर्फ जी, हाँ उसको जी, मैंने हाँ जी। डेकोरेट तो किया है, ये ये कोनिंग वर्क से कलर है। हाँ और कलर्स भी अपने। कलर हम यूज करते हैं, एक्रेलिक यूज करते हैं। अब जैसे ये था, ये मेरा पोयरिंग वर्क है, ये हम अपने गर्मियों में मिट्टी के घड़े यूज करते हैं ना पानी के लिए, तो वो नहीं उसके सुंदर, बाद में ये मैं उसको वैसे सजा देती हूँ। ये चीजें हमें गांव में देखने को मिलती है, और जितना मैंने सुना है कि हम कच्छ गुजरात जाते हैं तो उनके घर सारे ऐसे के ऐसे इतने सुंदर सजे होते हैं, हाँ तो ऐसे और ही नहीं, तो आपको तभी तो ये आया है, अब हमने इसको नया लुक दे दिया, हमने जैसे मैंने पीछे वॉल पे लगाया हुआ, ये एमडीएफ बोर्ड पे है चीज वही, थोड़ा सा बस वेरिएशन दे दिया हमने इसको। बट उन्होंने अपनी पूरी पूरी वॉल डेकोरेट की होती है यही मड और हाँ मिरर तो वॉल से। ऐसे ही हम अपनी इसी इसी वाली अपनी क्ले से हम अब इसको वॉल पे भी कर सकते हैं, और ऐसा रंगोली नहीं में है भी कि यूज आपके कर पास लेते हैं। कैमल रंग की जरूरत है कि तो कैमल रंग होगा तभी वॉल पे जाओगे, नहीं इसी वाली क्ले से हम अपने वॉल पर भी कर सकते हैं। अच्छी बात है मैम, और आप सिखाते भी हैं, तो हाँ मेरी, आप सिखाते भी हैं, तो आप हाँ ये जी मंडाला और लेपन दोनों ही सिखाते हैं? हाँ जी मेरी पांच पांच क्लासेस चल रही हैं इसी के ऊपर ही, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उनके, तो जिसको जिसमें भी लगता है कि मुझे ये सीखना है वो उसको ज्वाइन कर लेता है, तो इसके लिए आगे भी ड्राइंग फिर। आपकी इसके लिए ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी भी होनी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सेल्फ मेड, मतलब कोई पीडीएफ प्रेसिंग नहीं होती इसकी, आपको बिल्कुल सिंपली प्रोसीजर से बताया जाता है, सिर्फ आपको स्केल और राउंडर यूज करके पूरा पैटर्न बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको बनाना है, और बनता चला जाता है और सब बना लेते हैं। आज तक मेरे किसी मेरे स्टूडेंट ने, जैसे इंसान जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है,
नहीं ऐसा नहीं है, सबकी ड्राइंग अच्छी है, सब बना लेते हैं। ये चीज इतनी इजीली वे में बताई गई है ना, हमारे ओरिजिनल जो आर्टिस्ट हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी आर्ट को हमारे सामने रखा कि बहुत हम हर कोई इसको कर सकते हैं। जिसको नहीं भी आता ना वो भी करके चला जाएगा इसको। तो जैसे हम कहते हैं कि मंडाला में हम लोग एक स्ट्रेस रिलीज होता है मंडा, तो आर्ट करने से या उसको देखने से भी, जितना देखने मैंने से भी सुना। आप देखो, आपको आप घर में कुछ लगाते हो ना, आप देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते हो, आप उनके कैलेंडर वगैरह लगाते हो, तो उनसे एक वाइब्रेशन आती है ना पॉजिटिविटी की, तो ऐसे ही मंडाला बूस्ट, मंडाला हमें बूस्ट करता है आगे के लिए। आप इसे देखो कहीं पर भी ये मतलब मिक्स हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना मंडल मीन्स गोल, संपूर्ण, सर्कल, सर्कल होता है, यस, सर्कल जहां से होता है ना वो वहीं पर ही खत्म होता है। उसको आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर डिवाइड हो गया, ये कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ही नहीं होता वो सर्कल, तो घूमता रहता है। तो इसको आप जहां से भी शुरू करोगे वो वहीं पर ही आगे रुकेगा। उस पे फोकस करने से भी हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। और ऐसे फोकस मेडिटेशन इसको बनाने से मुझे तो हम, भाई लगता है, मैं तो इसको बहुत मानती हूँ, और मुझे तो लगता है इंडियन ट्रेडिशन में तो सबसे ज्यादा हम इसको मानते ही हैं। अब जो मेरे जो और नए जो है वो चाहते हैं कि आप इसमें ओम बनाओ, सत्या बनाओ, स्वास्तिक बनाओ, कोई कलश वगैरह बनाओ, तो वो अपने आइडिया देके चले जाते हैं, तो मुझे वर्क करना पड़ता है कि चलो भाई ये करती हूँ मैं। आप नए जैसे नए अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट उसके करते हो। साथ गणेशा का इतना चल रहा है कि ओम के जो वो होती है उसकी नीचे की, उसमें आप गणेशा का लुक दो, तो ये सब हमारे इंडियन ट्रेडिशन का ही तो हिस्सा है। तो वो हम इसीलिए तो बनाते हैं कि हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे अपने घर में, निगेटिविटी बाहर जाए। और आजकल ये हमारा जो ट्रेडिशन है ये बाहर भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इंडिया से बाहर के लोग भी मंडाला आर्ट और ये लिप आर्ट को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं बताती हूँ, बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई थिंक वंदना जी आपका नेटवर्क इशू है। हेलो, हमारे आई थिंक वंदना जी का कुछ नेटवर्क इशू है। नो इशू, अभी कुछ ना कुछ, आपको पता है आजकल सब क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस घर से सब कुछ, तो नेटवर्क इशू होता रहता है। एनीवे 2 मिनट्स वेट करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा वंदना जी हमें लिपन आर्ट के बारे में बता रहे हैं, मंडाला आर्ट के, कि इतना अच्छा, मतलब हम अगर लिपन आर्ट और मंडाला आर्ट करें तो आजकल जैसे ड्यू टू कोरोना हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं, और उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा आर्ट हम घर पे ही करें, कुछ सीखें, तो वो हमारा रिलीज हो सकता है। हां जी वंदना जी, मेरा शायद वेलकम बैक। इंटरनेट नो इश्यू मैम, आजकल तो बच्चों की पढ़ाई और ये सब कुछ हाँ घर से ही है, तो नेटवर्क इशू तो है ही है, कोई बात नहीं। तो मैं हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये स्ट्रेस बस्टर है, और एक चीज को अगर हम लोग सीखते हैं, अगर हम कोई मंडाला आर्ट या लिपन जैसे हम स्ट्रेस बस्टर के लिए सीखते हैं, तो कितने टाइम में ये चीजें सीखी जा सकती हैं इजिली। जैसे मेरे जैसा नॉर्मल इंसान है वो कितने दिन में सीख के अपने लिए कर सकता है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एज ए प्रोफेशन इसे यूज करना है, तो मैं कितने टाइम में इसे सीख पाऊंगी। इसको मेनली जितना टाइम आई लगता थिंक है बनने को, तो ये बनने वंदना जी का नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। सारी चीजें, ऑफिस, टाइम प्रोसेस बच्चों के स्कूल, घर से। जाता है ना, कि आप क्या कर रहे हो, सूखना है आप जो कर रहे। या वंदना जी, हाँ जी हाँ जी, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आप मुझे, हाँ हाँ थोड़ा जी, सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे क्लासेस में हम लोग कितने दिन में सीख पाते हैं। इसका 5 से 6 दिन का पूरा कोर्स होता है एक पेंटिंग का, क्योंकि इसको ओके ड्राइंग okay. के लिए भी टाइम चाहिए थोड़ा सा। हाँ तो ये 5 से 6 दिन में कंप्लीट पूरी हो जाती है। एक पेंटिंग को और एक पैटर्न को सीखने में बेसिकली। हाँ मतलब एक वही एक आप आपको प्रोसीजर आ जाएगा, तो आप एक साथ 3 पेंटिंग भी बना सकते हो, क्योंकि ड्राइंग प्रोसीजर में एक ही पेंटिंग को भी उतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको देना पड़ेगा ना वक्त उसके लिए। और मैं अपने व्यूअर्स से वैसे एक्सपेक्ट करूंगी। मेनली 1-5 दिन बहुत आपकी वॉइस इको हो रही है और थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो
और तो आप इसको सेल भी करते हैं कई जगह पे, अपने ये प्रोडक्ट लिपन आर्ट और जो भी जो कि आप चीजें बनाते हैं ये आप लोग बेचते भी हैं, जैसे कि आप indiafat.com पे भी रजिस्टर कर चुके हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वंदना जी की बनी हुई हेलो। चीजें हाँ देखना जी, चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो indiafat.com पे जा के देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि वंदना जी ने indiafat.com पे अपने आप रजिस्टर कर लिया है और उनकी बनी हुई चीजें आपको इजीली indiafat.com से मिल जाएंगी। तो वंदना जी, हेलो, आई थिंक वंदना जी का नेटवर्क का इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम वंदना जी के साथ फिर आएंगे। और मैं आप सब व्यूअर्स को भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने इतना अप्रिशिएट किया वंदना जी की आर्ट को, और लिपन आर्ट और मंडाला आर्ट के बारे में हमने समझा। जो कोई भी अगर वंदना जी से सीखना चाहता है तो उनसे वंदना जी से सीखना चाहता है तो उनसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर उनकी बनी हुई मंडाला आर्ट या लिपन आर्ट से रिलेटेड क्रिएटिविटी लेना चाहता है तो indiafat.com से वेबसाइट पे जाके ले सकता है। थैंक यू वंदना जी, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई नहीं, हम लोग फिर दोबारा इस चीज को दोबारा लेकर आएंगे आपके साथ एक नए, और आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स अगर हो सके तो दिखा जी दीजिए, अगर आपकी बंडाला आर्ट से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट और लिपन आर्ट से रिलेटेड है क्रिएटिविटी, ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके कि आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं, ताकि हमारे अगर व्यूअर्स उनको लेना चाहें तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप indiafat.com पर जाकर हमारी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। और आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि अब indiafat.com की ऐप आ चुकी है, आप लोग उसे यूज कीजिए, मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, और अपने जो भी रिव्यूज हैं प्लीज 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 हमें जरूर बताएं, चाहे वो अच्छे या बुरे हो, कैसे भी हम उस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। और प्लीज, और बहुत ही अच्छा लगा वंदना जी, आई थिंक इनका नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।